हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे बहुत सारे जो है वो कमेंट मिल रहे थे कि सर, जो आप क्वेश्चन ले रहे हैं उसको हिंदी में ना लिखकर आप इंग्लिश में लिखिए। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्दी जो है मैं सीरीज़ लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको जो है प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी आप इसको पढ़िए, फिर आप उसको जो है वो पढ़ सकते हैं। तो मैं किसी को भी यहाँ निराश नहीं करने वाला हूं, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने तैयार कर लिया है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आपकी तैयारी जो है वो पूरी होगी, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी रेलवे की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में मैंने रेलवे के पुराने वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है। साथ में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देता हूं, जिससे कि आपके सभी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं और आपका जो जीके का सेक्शन है वो पूरा कवर हो जाए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखें। ये इस सीरीज का 8वां वीडियो लेक्चर। आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर देख लीजिए और हमारे इस कोर्स में शामिल हो जाइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप या फिर हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो होता है उससे बादलों की दिशा मतलब डायरेक्शन और स्पीड दोनों जो है वो मापी जाती है। ठीक है, तो नेफोस्कोप का आपने ये देख लिया। साथ में यदि हम बात करें यहाँ पर एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर से जो है वो है हवा की गति या फिर स्पीड ऑफ द विंड जो है इससे मापी जाती है। साथ में यदि हम बात करते हैं रेन गेज की, तो अमाउंट ऑफ द रेनफॉल मतलब कि जो वर्षा की जो मात्रा होती है उसको मापा जाता है रेन गेज के द्वारा। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर में जो है वो एटमोसफियर में जो आर्द्रता होती है मतलब जो ह्यूमिडिटी जो होती है उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो आप इन चारों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 338। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 39A। तो आप यहां पर देख सकते हैं आर्टिकल 39A क्या बोलता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, तो आर्टिकल 39A में बताया गया है कि आपको जो न्याय मिलेगा वो समान रूप से मिलेगा, मतलब किसी के साथ इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ में जो आपको विधिक सहायता चाहिए मतलब कोई आपको लीगल एडवाइस चाहिए या आपको कोई भी कानूनी सहायता चाहिए तो वो आपको निःशुल्क यहाँ पर मिलेगी, ये बताया गया अनुच्छेद 39A में। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 30 की, तो आर्टिकल 30 में हमको बोला गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, ये इसमें बताया गया। साथ में यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की, तो इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 338 की, तो इसमें बताया गया है कि आपको जो है वो SC कमीशन यहाँ पर बनाया गया है। तो अनुच्छेद 338 यहाँ पर बोलता है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है वो बनाया जाएगा। तो SC कमीशन की बात की गई है आर्टिकल 338 में, और 338A में यदि हम बात करें तो बात की गई है ST कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। ठीक है, 35 ईयर्स जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है, मतलब जितनी आयु राष्ट्रपति के लिए चाहिए होती है योग्यता में, उतनी आयु जो है वो राज्यपाल के लिए यहाँ पर चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1998 में कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप जीता था, ब्राजील, जर्मनी, इटली या फिर फ्रांस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। 1998 की यदि हम यहाँ पर बात करें तो फ्रांस जो है वो विश्व कप जीता था। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्यों लिया गया, क्योंकि अभी 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का उसको भी जीता है किसने, फ्रांस में। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2018 के नाम से। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, उसकी हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले सभी एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा काम आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, 1975, 1997, 1959 या 1973? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1975। यदि हम आर्यभट्ट की यहाँ पर बात करते हैं, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था और ये पहला उपग्रह था जो कि भारत द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, यदि हम यहाँ पर आर्यभट्ट की यदि हम यहाँ बात करते हैं, तो एक खगोल शास्त्री थे और एक गणितज्ञ थे। यदि हम बात करें भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट की, तो इसको छोड़ा गया था 1975 में 19 अप्रैल के दिन। ठीक है, आप इस डेट को भी याद रखिए। तो 19 अप्रैल के दिन इसरो के द्वारा जो है इसको छोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, इसमें कौन कौन सी गैस जो है वो मिली हुई होती हैं? प्रोपेन और मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ईथेन और हेक्सेन, ईथेन और मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। यदि हम बात करें लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की, तो इसमें जो है वो दो गैसों का जो है मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, खाना बनाने और बाकी चीज़ों में जो है इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिक कौन सी नदी पर बसा है? गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे जो है वो स्थित है, ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है वो कुंभ का मेला भी लगता है। और यदि हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो सातवाहन वंश का आपने नाम सुना होगा, सातवाहन वंश की ये राजधानी जो है वो रह चुकी है क्या, नासिक, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? चुरू, बाड़मेर, जयपुर या फिर जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। यदि हम वुड फॉसिल पार्क की यहाँ पर बात करते तो ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और जैसलमेर में भी कहाँ पर, तो एक आकल नाम का एक गांव है, ठीक है, आकल, एक आकल नाम का गाँव है, वहाँ पर स्थित है वुड फॉसिल पार्क। और यहाँ पर जो है वो बहुत पुराने पेड़ पौधे जो है उसके जीवाश्म जो है आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, मतलब हजारों साल पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म यहाँ पर उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंपरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कंप्यूटर कारखाना, पेनिसिलिन फैक्ट्री, कागज मिल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेनिसिलिन फैक्ट्री। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर पिंपरी की, तो पिंपरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो है महाराष्ट्र में, ठीक है, पिंपरी महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर जो है वो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स लिमिटेड जो है यहाँ पर स्थित है। तो आप इसको जरूर याद रखिए, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है पिंपरी महाराष्ट्र में, ठीक है, और यहीं पर जो है वो पेनिसिलिन की फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया या फिर जेबी कृपलानी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को जो है वो 1946 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है इनको अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष ये रहे थे। यदि हम यहाँ पर बात करें पट्टाभी सीतारमैया की, तो पट्टाभी सीतारमैया को जो है वो 1948 में अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, मतलब कि हमको आज़ादी यहाँ पर मिल चुकी थी। और यदि हम जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू को जो है वो 1936 में और 37 में, ठीक है, दो बार इनको जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। साथ में एक और चीज़ आती है कि 1947 में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था, तो उस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। आज़ादी के समय थे जेबी कृपलानी, लेकिन 1947 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस, रोएंटजेन, मार्कोनी या फिर मॉर्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोएंटजेन। जो एक्सरे है उसका आविष्कार किया था विलहेल्म, इनका पूरा नाम भी आपको बता देता हूँ, विलहेल्म रोएंटजेन, ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया था 1895 में, और ये एक जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर थे रोएंटजेन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्सरे का आविष्कार किया था रोएंटजेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय, एलेक वेटसर, जीबी सॉ या फिर जॉन रस्किन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने जो है ये बुक लिखी है, ये उपन्यास लिखा है वॉर एंड पीस, इसका आप यहाँ पर कवर पेज देख सकते हैं। मैं कवर पेज इसलिए यहाँ पर लिखता हूँ जिससे कि आपको ये बुक हमेशा याद रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। इनकी और भी बुक जैसे फेमस है, जैसे कि द थ्री क्वेश्चंस, एक है चाइल्डहुड, ठीक है, तो द थ्री क्वेश्चंस, चाइल्डहुड, वॉर एंड पीस, आप इन बुक्स को याद रखिए, ये सभी लिखी हुई हैं लियो टॉलस्टॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोम पेंस कहाँ के आदिवासी हैं? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं सोम पेंस की, तो ये जो है एक आदिम जनजाति है, ठीक है, आदिम जनजाति का मतलब ये होता है कि ये बहुत पुरानी है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी एक जनजाति है, उसका नाम है सोम पेंस, और इसको जो है वो संरक्षित करके रखा गया, मतलब जो बाहरी लोग होते हैं वो इनके संपर्क में कभी भी नहीं आते, ठीक है, बाहरी लोगों से जो है इसको संरक्षित करके रखा गया है सोम पेंस जनजाति को, और ये जो है वो अंडमान में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबिया की राजधानी क्या है? कराकस, बोगोटा, लापाज या फिर जॉर्जटाउन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोगोटा,
ठीक है, बोगोटा जो है वो कोलंबिया की राजधानी है। राजधानी काफ़ी एग्जाम में जो है पूछी जाती है, यदि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे तो इस पर जो है मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वफीन झील, कैस्पियन झील, अराल झील या फिर जिनेवा झील? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैस्पियन झील। कैस्पियन झील को जो है वो कैस्पियन सागर यहाँ पर बोला जाता है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, आप यहाँ पर इसका मैप में देख सकते हैं कि ये जो है पूरा बीच में आपको जो ब्लू दिख रहा है ये पूरा कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील है। इसके पास पड़ोसी जो है, मतलब इसकी सीमा किस किस से लगती है, आप इसको भी याद रखिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रसिया, ठीक है, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इसकी जो सीमा है ये टच होती है किससे, कैस्पियन सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? एल्यूमिनियम, इस्पात, नाइट्रोजन या क्रोमियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्पात। ठीक है, जो लोहा होता है, आयरन जो होता है, इस्पात जो होता है, उसमें जो है वो बेसेमर प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। अब इस प्रक्रिया का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि एक होता है क्या, ढलवा लोहा, आपने नाम सुना होगा ढलवा लोहा, या जिसको बोलते हैं पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन से जो है वो स्टील बनाया जाता है, और पिग आयरन से स्टील बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है बेसेमर प्रक्रिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। यदि हम बात करें यहाँ पर कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कराया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको कंप्लीट करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को आप जानते ही होंगे, ऐबक ने जो है वो गुलाम वंश की यहाँ पर नींव रखी थी। ठीक है, और इसने राजधानी किसको बनाया था, इसने राजधानी बनाया था लाहौर को। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है इल्तुतमिश का, कि लाहौर से दिल्ली को किसने जो है वो राजधानी बनाया था, तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने। इसने क्या किया था, लाहौर को अलग कर दिया था और दिल्ली को जो है अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न सम्मान पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? सी वी रमन, चंद्रशेखर, एस एन बोस या फिर पी सी रॉय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी वी रमन। ठीक है, इनका पूरा नाम यदि हम बोलें तो वो है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है भारत रत्न मिला था, जो कि पहले वैज्ञानिक थे। इनके साथ तीन लोगों को और अवार्ड मिला था, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं थे, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, जैसे कि सी राजगोपालाचारू और फिर राधा कृष्णन जी को अवार्ड जो है ये दिया गया था, राधा कृष्णन जी को, और मिला था सी वी रमन को। ठीक है, तो ये तीन लोगों को अवार्ड मिला था, लेकिन ये पहले वैज्ञानिक थे जिनको अवार्ड ये दिया गया था। अब सी वी रमन को अवार्ड दिया गया था क्यों, इन्होंने जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपने सुना होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको रमन इफेक्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। साथ में इनको 1930 में जो है वो नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इस रमन इफेक्ट के लिए, सी वी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 जून और 22 अगस्त? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को जो है वो यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। साथ में इसके एक महीने बाद जो है वो एक और डे मनाया जाता है, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे। तो आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो किस दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष, बक्किम चंद चटर्जी, स्वामी विवेकानंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। ये वो काफ़ी एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है लाइफ डिवाइन, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, ये लिखी थी अरविंद घोष जी ने। ओके फ्रेंड्स, तो ये से इस लेसन के 20 क्वेश्चन, आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। और यदि आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके जो है वो मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, या पर आप वहां पर जाकर मुझे शशांक और आपके नाम से सर्च करेंगे तब भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप वहां जाकर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने वहां पर बहुत सारे आपके लिए फ्री में लेक्चर बनाए हुए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, जय हिंद।